मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्मान्य एकनाथजी शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का अभिनंदन करता हूं। कल के मंत्रिमंडल में स्कूल बिल्डिंग की जो हाइट है जो अब 30 मीटर पर है उसको 45 मीटर करने के बारे में उन्होंने आदेश निर्देशित किया है। मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा बदलाव एजुकेशन सिस्टम में आएगा। स्कूल में जो बिल्डिंग बनाने में खर्चे होते हैं, डेवलपमेंटल चार्ज भरने पड़ते हैं और जिससे एजुकेशन बहुत महंगा होते जा रहा है। 2004 में मद्रास के स्कूल में आग लगी थी जहां पर डेवलपमेंटल कंट्रोल रूल भी नहीं है। मुंबई शहर में डेवलपमेंट कंट्रोल रूल पहले से ही होने के बावजूद भी कोर्ट ने टिप्पणी की थी, उसके आधार पर हाइट रिस्ट्रिक्शन ला दिया था। मैं 2011 से इसके बारे में प्रयत्न करते आया हूं। उन दिनों के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब थे, उनको चिट्ठी लिखी और बार बार मैं लगातार लिखने का काम करते रहता हूं। आप सबकी जानकारी के लिए मुंबई शहर में अभी जो स्कूल के प्लॉट होते हैं उसमें 40% जगह ओपन रखना पड़ता है बच्चों को खेलने के लिए। अब बचे हुए 60% में बिल्डिंग खड़ा करना पड़ता है, उसमें ओपन स्पेस डेफिशिएंसी बड़े पैमाने पर महानगर पालिका को भरना पड़ता है और इसलिए स्कूल की बिल्डिंग बनाना एक बहुत महंगा और खर्चीला काम हुआ है जिससे एजुकेशन बहुत महंगा होते जा रहा है। मैं मानता हूं कि सरकार ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हेल्थ रिलेटेड सारे हॉस्पिटल्स है, इन सारे लोगों को बहुत आसानी से डेवलपमेंट परमिशन देना चाहिए। इसका डेवलपमेंट कॉस्ट भी बहुत रिजनेबल होना चाहिए और उसके साथ साथ में जहां पर आप एक जगह पर सहूलियत देते हो तो दूसरी तरफ स्कूल के बच्चों के पास से ज्यादा फी ना ली जाए, जो मरीज है उनके पास से हॉस्पिटल में भी ज्यादा चार्ज ना लगाया जाए, इसका एक कैपिंग करना चाहिए। आप कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा ले सकते हो, ये जब होगा तभी लोगों का विश्वास देश के प्रति बढ़ेगा, ये सिस्टम के प्रति बढ़ेगा। मेरी आवाज सरकार तक पहुंचती है तो निश्चित ये काम करने वाली सरकार है, ये फास्ट डिसीजन ले रही है। पिछले कुछ महीने में बहुत सारे जो प्रलंबित प्रश्न थे उसके पर निर्णय लेने का काम ये सरकार ने किया है। मैं मुंबई शहर के सारे नगरजनों की ओर से फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का अभिनंदन करता हूं।